अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नासिर मेहदी एंड आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अजीज़ों के हमरा, बच्चों के हमरा खुश होंगे और महफूज भी। आज हमें फिर से ज्वाइन कर रहे बशारत अली, जिनका ताल्लुक़ ज़िला करदो से है और बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं। आपको पता है 2000 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके अब तक और भी बनाने का इरादा है। बशारत किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, वो गिलगित-बल्तिस्तान में बहुत फेमस है, बच्चा बच्चा उन्हें जानते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं। वीडियो ऐसे बनाते हैं कि जो हम इजीली अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। बहुत कम ऐसे वीडियो हमें मैसर होते हैं जो हम अपने फैमिली के साथ बैठ के देखने को मिलते हैं। सो आज हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ टॉपिक पर हम उनसे बात करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम बशारत, आप खैरियत से होंगे? बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रही है और क्या मसरूफियात है आजकल आपकी लाइफ में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे इंटरव्यू ली। ज़िंदगी को चल रही है जो पहले चले आ रही है, बस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम, कभी प्यार कभी मोहब्बत, बस ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बस ये चला आ रहा है बस ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया बशारत साहब, आप मुझे ये बता दें कि आपकी जो पुराना आईडी है वो हैक हो गए हैं और इस चीज़ का हमें दुख है। आपको कितना दुख हुआ, आपने कहाँ पे गलती की जिसकी वजह से आपकी जो आईडी है वो हैक हो गए और आपने नया आईडी बनाया, बहुत सारे फॉलोअर आपको एकदम मिल गए? सो आपको कितना दुख है अपने पुराना आईडी का? आपने ये कोई लाहेमल तय की कि उसको कैसे रिकवर करना है? आपने किसी से बात की? आपने कोई कोशिश की उस आईडी को रिकवर करने के लिए? सो आपके आईडी भी हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है लेकिन अफसोस है आपके पास नहीं है। सो उस आईडी को खोकर आप कितना गमज़दा है, आपको कितना दुख है उस आईडी को खोने का? पुराना आईडी मुझे समझ नहीं आता हैक हो गया है या क्या हो गया है। एक्सपर्ट लोग कह रहे थे कि ये हैक हो गया है और मुझे शुरू में एक दो दिन तो गम हो गया, मगर और बार में दोबारा मैंने नया आईडी बनाई और एकदम से मेरे फॉलोअर्स मिल गए, फैंस मिल गए और मुझे अभी कोई गम दुख फिक्र नहीं है उस आईडी को हैक होने का या किसी ने चुराने पर। मुझे अभी कोई गम नहीं है क्योंकि मुझे इस पहले की नस्बत अभी थोड़ा मुझे YouTube में सब्सक्राइबर फॉलोअर और नई आईडी में लोग ज़्यादा मिले हैं, तो नए नए लोग मिले हैं तो मुझे नया फॉलो कर रहे हैं वो लोग। अच्छा जी, सोशल मीडिया में हम अक्सर देखते हैं कि आपकी वीडियोस लोग एडिटिंग करके मजाक बनाते हैं, मस्ती करते हैं, मीम्स बनाते हैं। सो उस हवाले से आपका क्या राय है कि आपको गुस्सा आता है कि बहुत सारे लोग बनाते हैं मुख्तलिफ वीडियो से जोड़कर, तस्वीरों से जोड़कर? आजकल मीम्स का दौर है, बहुत सारे लोग कुछ भी मिल जाए उसको मीम से जोड़ लेते हैं। सो आपकी वीडियो भी हम अक्सर देखते हैं कि लोग मीम्स बना रहे होते हैं। सो उस हवाले से आपकी क्या राय है कि आपको गुस्सा आता है उस हवाले से, या आप क्या फील करते हो जब आपकी वीडियोज़ देखते हैं, मीम्स वगैरह आपकी वीडियो से जुड़ा जाता है? सो आपका क्या रिएक्शन होता है उस दौरान? लोग मेरे वीडियो को मज़ा है मीम बनाते हैं। अच्छा, मुझे गुस्से से पार पर आते हैं कि हमारे बल्तिस्तान के पढ़े लिखे लोग उसका मजाक करते हैं, जब मैं सीरियस बात होकर सीरियस बात करता हूँ, हक हकूक की बात कर रहा हूँ, उनका मजाक उड़ाते हैं। मुझे इस बात का गम है, मीम बनाने के लिए, मजाक करने के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। आप किसी के इजाज़त के बगैर किसी के मीम नहीं बना सकते, ये गुनाह है। अगर आप वो बंदा राजी ना हो किसी का मजाक उड़ाना, मीम बना, अगर वो राजी ना हो तो ये गुनाह है। माशाल्लाह से किसी ने मेरे वीडियो को मीम बनाया था, वो हमारे ही पढ़ा लिखा था, हमारे कटपना का एक बंदा साथ था उसका और वो चुंदा का रहने वाला था, पढ़े लिखे थे दोनों, कुरान पढ़ते थे, तिलावत करते थे, उन पर मुझे वो अफसोस हुआ। अच्छा बशारत साहब, आप ज़्यादातर शादी के हवाले से बात करते हैं, फैमिली जो मैटर्स होते हैं उस हवाले से बात करते हैं। सो मेरा सवाल यह है कि आजकल की जो जनरेशन है वो शादी करने के बाद अपने जो बीवी से है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं हमारे माशरे में, और घर का जो सारा निज़ाम वो बीवी चला रहे होते हैं, वो कोई फैसला कर नहीं पाते हस्बैंड कि कोई भी हो तो कहते हैं कि यार अपने वाइफ से पूछता हूँ फिर उसके बाद करता हूँ। सो क्या माजरा है, क्या मसला है हमारे माशरे में कि आजकल के जो जनरेशन है वो अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और क्या आप भी हमारे बाबी से डरते हैं? लोग बीवी से डरते हैं, ये उनकी ईमान की कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी है। उनका जायज़ मुतालबात डिमांड आप पूरा करें, मगर 100% उनके बातों में आना, उनके कहने में रहना, ये आपकी बेवकूफ़ी है और ईमान की कमज़ोरी है। मैं तो नहीं डरता मेरी बीवी से।
अच्छा, यही इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि लोग शादी के फौरन बाद घर छोड़ के चले जाते हैं, अपने माँ बाप को जिन्होंने पाल पोस के गढ़ बड़ा किया। सो शादी के बाद पहले तो ऐसा नहीं था, लोग साथ में रहते थे प्यार मोहब्बत से हमेशा हमेशा, ज़्यादातर वो स्ट्रॉन्ग रहते थे फैमिली। लेकिन आजकल जो लोग हमारे माशरे में जो है वो शादी के बाद 1-2 साल बाद अपने बच्चों के साथ अपने बीवी के साथ अलग रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। सो इसकी क्या वजूहत है, लोग माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं दूसरे घरों में, या अपना घर बना के या दूसरों के घरों में मतलब किराए पे चले जाते हैं। सो ऐसा क्या मसला है हमारे माशरे में कि लोग माँ बाप को बहुत जल्द छोड़ जाते हैं शादी के बाद? बीबी की ये तमन्ना होती है कि अपने शौहर के साथ अलग रहे, अयाशी करे, गाड़ी में घूमे फिरे। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग के ख्याल ये होते हैं कि अपने अपना जो शौहर है वो कमा कर लाता है, मैं और मेरे शौहर अकेला खाए, उसके माँ बाप से अलग करे, किराया पे रह जाएगा। वो पम करके हस्बैंड को अलग कर देते हैं। ये हस्बैंडों की, ये शोहरों की बेवकूफ़ की इंतहा है। वालदेन को छोड़कर जो अलग जाते हैं, अलग हो जाते हैं बीबी के कहनों में आकर, बातों में आकर, ये उनकी बेवकूफ़ी और उनके ईमान की कमज़ोरी है। वालदेन को छोड़कर चले जाना, उनकी बीबियों की बातों में आना। हाँ, अगर भाई भाई अगर तकसीम हो जाए, इंसाफ के साथ तकसीम हो जाए तो अलग खड़े हैं। माँ बाप को सब एक दिन, 4 दिन एक भाई के पास रहे, 4 दिन दूसरे भाई के पास रहे, माँ बाप का अगर ख्याल रखे सब भाई मिलकर, तो इसमें कोई इश्काल नहीं है। सो बिशारत साहब, सम टाइम वी आर वॉचिंग योर वीडियोज इन इंग्लिश एंड वी आर दैट टाइम वी आर वेरी प्राउड फील। एंड सो वाई नीड इंग्लिश इन योर लाइफ इन आवर सोसाइटी? सो हाउ मच इम्पोर्टेंट इंग्लिश योर लाइफ वेन यू मेक्स वीडियोज इन इंग्लिश विलोज दैट टाइम वी आर वेरी एक्साइटेड एंड बिशारत अली स्पीक क्लियरली इंग्लिश। सो हाउ मच इम्पोर्टेंट इंग्लिश इन योर लाइफ इन आवर सोसाइटी? इंग्लिश इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर सोसाइटी, इन आवर लाइफ, बिकॉज आर आई टी टेक्नोलॉजीज वी यूज़ इट इंग्लिश, लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, एंड टूडे द वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, एंड इफ यू स्पीक वेल इंग्लिश यू कैन गेट अ गुड जॉब। इफ यू स्पीक वेल इंग्लिश पीपल से यू आर वेरी एबल, यू आर वेरी काबिल। डेट्स वाई इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर मैनी जॉब्स, मैनी जॉब्स, 14 स्केल, 16 स्केल, 17, 18 स्केल्स, आल जॉब्स आर इन रिटर्न फॉर्म, कुछ आर इन रिटर्न फॉर्म आर कम इन इंग्लिश। सो इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी टू गेट अ ग्रेट जॉब, अ बिग जॉब। अच्छा बशारत साहब, माशाल्लाह साहब बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो सोसाइटी के बारे में, मसले मसाइल जो चीज़ आप चल रहे हैं उस हवाले से बात करते हैं। बिजली के हवाले से आपको ज़्यादातर शिकायत होते हैं, हम अक्सर वीडियोस पे देखते हैं कि बशारत साहब के एरिया में बिजली बहुत कम है। आई डोंट नो वेयर इज कतपना, इंशाल्लाह व्हेन आई इन गोइंग विलेज दैट टाइम इंशाल्लाह आई विजिट इन कतपना। सो आप बिजली के हवाले से बहुत ज़्यादा अपसेट होता है कि आप वीडियोस बनाते हैं कि आज फिर लाइट नहीं, आज फिर लाइट नहीं है। सो इसकी क्या वजह है कि गिलगित-बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा पानी है, हमारे पास इतने फैसिलिटीज़ है कि हम पूरे पाकिस्तान को बिजली दे सकते हैं। सो बिजली के हवाले से क्या राय, ये इसका हल कैसा है कि हम कैसे अपने गिलगित-बल्तिस्तान में लोडशेडिंग को ख़त्म कर सकते हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बातें बता दें। बिजली का मसला बल्तिस्तान में है, देहातों में आगे पीछे जाए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। स्कर्दों में, एक बंदा मुझे कह रहा था, स्कर्दों में ऐसी जगह भी है जहाँ अगर मामूली से बंद हो जाए तो वहाँ पर पथराव होते हैं, वहाँ जहाँ पर एहतजाज होते हैं वहाँ पर बिजली होते हैं, जहाँ पर बोलने वाला ना हो, लोग खामोश रहे, चुप रहे। मिसाल कतपना रंगा साइड, यहाँ के लोग शरीफ या खामोश रहते, इसलिए यहाँ पर लोग गड़बड़ ज़्यादा करते हैं। इसका हल ये है कि हमारे लोग नुमाइंदे सब मिलकर, पूरा स्कर्दों में जो जितने भी नुमाइंदे हैं सब मिलकर पूरा 5 साल पूरा बजट इसी बिजली में लगाए, और ये बिजली को पूरा 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आप आते हैं तो ये 5 साल पूरा आप बिजली पर काम करें, पूरा साल 5 साल आप पूरा बिजली कर दे दें, पूरा बिजली का मसला हल करें, बिजली के नए नए पावर हाउस लगाए, नए नए मशीनें लाए जदीद, तो ये मसला हल हो सकते हैं। अगर काम करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा ये थे बशारत साहब जो अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को हमेशा हंसाता रहता है, और
बहुत कम हमें ऐसे लोग मिलते हैं। वीडियो बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है, सोशल मीडिया पे या कैमरे के सामने आके बोलना यह हर किसी की बस की बात नहीं है। तनकीद वही लोग करते हैं जिनके अंदर एबिलिटी नहीं होते, जिनके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं होते, वही लोग ज़्यादातर तनकीद करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो बशरत से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, और बशरत का अपना चैनल है, पेज है, उन पर जाके ज़रूर उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें उनके चैनल को, ताकि आने वाली वो हर वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कभी आप बशरत के साथ एक और टॉपिक पे आपके सामने हम पेश करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमारा पेश कर दिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।